हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर थ्री में एक आ गया फ्रेंड्स कि फेस द कैप इज यूज्ड बाय द टर्किश इज शेप्ड लाइक द फर्स्ट मूव ए कोन, कि जो एक कैप है जो टर्किश द्वारा प्रयोग की जाती है उसका नाम क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है, ठीक है। और वो किसकी शेप में है, एक फर्स्ट मूव कोन की शेप में है, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, जो ये तुर्की टोपी होती है ना फ्रेंड्स, ये ऊपर से बंद होती है, ठीक है, और इसकी ओपन साइड क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, जो ऊपर वाला बेस होता है उसकी रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट जो है, ये वाली हाइट ये क्या है, 15 सेंटीमीटर है। इन्हें निकालना क्या है, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, जो इसको बनाने में जो मटेरियल लगा है उसका एरिया निकालना फ्रेंड्स हमने इसमें। तो फ्रेंड्स इसका जो एरिया, इसको जो बनाने में मटेरियल लगा है उसका एरिया निकालने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, कि जो इसका देखो एक साइड क्या इसकी खुली है और एक साइड क्या ऊपर से, ऊपर वाले जो इसमें ऊपर वाली जो साइड है ना वो इसकी क्या है, बंद है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा ना उसमें क्या ऐड करना है, हमने जो ऊपर वाला इसका बेस है ना, एरिया ऑफ बेस वो ऐड करेंगे फ्रेंड्स। एरिया ऑफ बेस में क्या है, ऊपर सर्कल है, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर। तो और सब कुछ हमारे फ्रेंड हमारे पास है, R1 भी है और R2 भी है, स्लैंट हाइट भी है इसकी, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फेज क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस अपर एरिया ऑफ अपर बेस एरिया ऑफ फर्स्ट कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्या होता फ्रेंड्स, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। और जो एरिया का अपर बेस में हमारे पास क्या है, इसके ऊपर क्या बना हुआ, एक सर्कल है, ठीक है, तो उसका एरिया उसका फार्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स सर्कल का, ठीक है। सर्कल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें से देखो, इसमें से हमारे पास पाई कॉमन है, तो पाई को हम क्या करेंगे, कॉमन लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ से पाई को कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास बचा एल इंटू R1 प्लस R2, और यहाँ पे प्लस में पाई कॉमन गया, यहाँ पे R का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू यूज करनी हमने 22/7, उसके बाद एल स्लैंट हाइट क्या है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, इंटू में R1 क्या है 10 प्लस R2 क्या है 4, और प्लस R का स्क्वायर, जो ये पाई आर स्क्वायर अपर एरिया है ना फ्रेंड्स, अपर बेस है इसका, इसकी आर यूज करनी है हम देना है कि ये नीचे वाली, ठीक है, तो आर का स्केयर करेंगे, आर क्या हमारे पास 4 का स्केयर,
बाईस बटे सात, 15 की देखो इसको ऐड करेंगे 10 चार 14, 14 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15 से, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 22 बटे सात, 15 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21 प्लस 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ 22/7, 210 और 16 को ऐड किया क्या आएगा 210 और 10 220 और 6 226, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सात पे कैंसिल नहीं, और इसके आगे क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 226 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्के 12, 2 दिन 4 एक 5, 2 दिन 4, 2 छक्के 12, 2 दिन 4 एक 5, 2 7 9 4, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है 4972/7, ठीक है। इतना भी हमने निकाल दिया ना फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ठीक है, इतना उत्तर है। अगर हम आगे करना चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको 4972 को 7 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है हमारे पास, 7 से डिवाइड करने के बाद आता है 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.4 का। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके 10वीं कक्षा की मैथ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर जीके की वीडियो भी देख सकते हैं।